10 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण दोनों ही किया जाता है। श्राद्ध श्रद्धा से उपजा शब्द है, जिसका अर्थ होता है पितृपक्ष में पितरों के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें और उनका यथोचित सम्मान के साथ श्राद्ध और तर्पण करें। पिंडदान के माध्यम से पितरों का श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि पितर जिस भी लोक में होंगे उन्हें तर्पण से शांति और मुक्ति मिलेगी। रावण हिंद समाज में बेहद निंदनीय नाम कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसने पिता के वचन की रक्षा के लिए वन गमन करने वाले श्री राम की भार्या अर्थात पत्नी का छल पूर्वक अपहरण कर लिया था, जिसके कारण राम रावण युद्ध हुआ और उस युद्ध में अमृतपान किए रावण का वध करके राम ने सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण जितना अहंकारी और मद में चूर था, वो उतना ही प्रकांड विद्वान भी था। विद्वत्ता और पांडित्य में रावण के बराबर कोई दूसरा विद्वान भी ना था। शिव भक्त रावण ने ही जटाट वील लज्जल प्रवाह पावित स्थले जैसे अद्भुत शिव तांडव स्त्रोत की रचना की। स्वयं शिव रावण की भक्ति के वशीभूत रहा करते थे। उसी रावण द्वारा रचित रावण संहिता भी है, जिसमें अद्वितीय ज्योतिष तांत्रिक रहस्यों का वर्णन किया गया है। इसी रावण संहिता में पितृदोष के बारे में चर्चा की गई है। चूंकि ये पितृपक्ष काल है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ रावण संहिता में वर्णित पितृदोष के लक्षण और उपाय। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, क्यों होता है पितृदोष, क्या है पितृदोष को दूर करने के उपाय, आइए सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष के लक्षण की। रावण संहिता में वर्णित पितृदोष का लक्षण बहुत ही भयानक माना गया है, जिसके कारण जीवन में अलग अलग प्रकार के संकट आते हैं। पितृदोष के बहुत सारे लक्षण हैं, जिनसे आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर कौन से लोग पितृदोष के शिकार हैं। ऐसी स्थिति में पितृदोष के उपाय अवश्य करने चाहिए। पितृदोष के कुछ विशेष लक्षणों में संतान बाधा या संतान की समस्या होना, विवाह में बाधा उत्पन्न होना या ना होना, आर्थिक परेशानी और धन का अभाव, स्वास्थ्य का खराब रहना या शरीर का कमजोर होना, ग्रह कले या स्वजनों में वैमनस्यता, मानसिक रूप से परेशान रहना या मानसिक विकार से ग्रसित रहना, पिता या स्वजनों से संबंध ठीक नहीं होना, ये शामिल हैं। ये सभी लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित है। इसके अतिरिक्त भी पितृदोष के अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं। मूल रूप से कहा जाए तो जीवन में दैहिक और भौतिक और मानसिक पीड़ा का प्रमुख कारण पितृदोष हो सकता है। रावण संहिता में पितृदोष को दूर करने के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पितृदोष से बचना चाहते हैं, पितरों को सदैव प्रसन्न रखना चाहते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना रखना चाहते हैं, तो रावण संहिता के अनुसार पितृदोष के उपाय अवश्य करें। याद रखें, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य पर जब तक पितरों की कृपा नहीं होती, वो किसी भी कार्य में सफलता नहीं ले पाते। वैसे तो हर एक व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के ऋण होते हैं, पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। मनुष्यों को इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, तीर्थ पूजन, दान और कर्म करने होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में पितृ देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद और स्नेह बराबर बना रहता है। इसीलिए हमें हर दिन और विशेषकर पितृपक्ष में तो शास्त्र विधान के अनुसार बताए गए ऐसे कार्यों को करना चाहिए जिनसे हम पितृ ऋण से मुक्त हो पाएं। रावण संहिता में पितृदोष से मुक्त होने के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से उपायों से पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को तिल का दान करें, किसी निर्धन गरीब लड़की का विवाह करवाएं और उसमें होने वाले सारे खर्च का वहन करें, इससे पितृदोष दूर होता है। पूरे परिवार के साथ हर दिन भगवद गीता का पाठ करें, पितृदोष से शांति मिलती है। प्रातः स्नान करने के बाद सूर्य को जल दें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर में पीपल और वट वृक्ष लगाने से पितृदोष
दूर होता है। इष्ट देवता यानी कुल देवता की पूजा करें, विधि विधान के साथ करें, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदी में काले तिल का प्रवाह करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हर दिन करें और नवग्रह शांति पाठ भी करें, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण अवश्य करें। गया काशी प्रयागराज में पिंडदान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष आपके जीवन में कब तक प्रभावी रहता है? रावण संहिता के अनुसार जब तक अपने पितरों की शांति ना कराएं तब तक आपके जीवन में पितृदोष बना रहता है। पितृलोक में जब तक आपके पितर मुक्त नहीं हो जाते तब तक आपको अपने जीवन में पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी को पितृदोष को दूर करने का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि पितृदोष की पूजा कहाँ पर होती है, तो हम आपको बताते हैं। वैसे तो पितृदोष की पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शीघ्र पितृदोष से शांति और मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गया जी, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आदि तीर्थों में जाकर पितृदोष की पूजा करवानी होगी। हिंदू शास्त्र के मुताबिक इन तीर्थ स्थलों पर पितृदोष की पूजा करने से पितरों को शांति और मुक्ति का लाभ जल्दी मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए, तो ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृदोष की पूजा करवाने का विशेष फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितृदोष की पूजा करने से पितृदोष शांति हो जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण और पिंडदान आदि देकर उनकी यथाविधि से पूजा करनी चाहिए। अक्सर ये भ्रम रहता है कि पितृदोष और कालसर्प दोष एक ही है। जी नहीं, पितृदोष और कालसर्प दोष में बहुत भारी अंतर है। कुंडली में दोनों दोष कुछ कुछ समानता रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी पितृदोष कालसर्प दोष से बहुत अलग होता है। जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं तो इससे कालसर्प दोष का निर्माण होता है। ज्योतिष परंपरा में लगभग 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। वहीं पितृदोष तब होता है जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्य एवं केतु अथवा सूर्य एवं राहु का जुड़ाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कालसर्प दोष और पितृदोष में यही सामान्य अंतर पाया जाता है, लेकिन कुंडली में पितृदोष और कालसर्प दोष को गहराई से समझने किसी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से उसका अध्ययन करवाया जाना आवश्यक माना जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।